महिलाओं को मैंने कहा कि आप जनप्रतिनिधि हैं, आप अपने अपने पंचायत के छोटे छोटे कार्यों को जो आप देख रही हैं, जो आपको मैंने पैसा नहीं मिलता है, नहीं आप कर पाती हैं, तो आप जो है हमको लिख करके भेजिएगा, हम अपने स्तर से अपने ऐच्छिक मामले में अव्वल बनाने के लिए अपने अपने जिम्मेवारियों को या अपने अपने पास जो मतलब जो रिकमेंड करने की क्षमता है विकास के लिए, आप आइए मिलजुल करके काम कीजिए, ताकि हम लोग मौलाना मजहरुल हक जो शांति और एकता के प्रतीक नेता रहे हैं, कौमी एकता के आपसी प्रेम व्यवहार और भाईचारा को बनाने का काम करेंगे। सभी जात जात में टुकड़े में न बंटिएगा, एक मजबूत जमात बनाने की ज़रूरत है, एक मजबूत क्षेत्र को सजाने और संवारने के लिए हम काम कर रहे हैं। हम एक क्षण आपके नज़रों से अलग रहने वाले नहीं हैं, आपके दुख में या सुख में, शादी में विवाह में मैं हमेशा हाजिर रहता हूँ। अवध बिहारी चौधरी जी का, जिन्होंने आज सरावें पंचायत के सिंघई छठ घाट का इन्होंने उद्घाटन किया। चूँकि व्यस्तता के कारण लगातार पर्व त्यौहार का समय चल रहा था, उस समय समय का अभाव था तो उद्घाटन नहीं हुआ था, और शिलान्यास के बाद तुरंत वहां काम भी पूरा हो गया। तो आज सरावें पंचायत के यहां जो पंचायत समिति सदस्य हैं, पूर्व में उनके जो पति हैं इस पंचायत के मुखिया पद पर सुशोभित रह चुके हैं, और उनकी धर्मपत्नी यहाँ BDC चुनी गई हैं, उनके निवास स्थान पर बिहार विधानसभा अध्यक्ष जी का जोरदार स्वागत किया गया। और सबसे जो है यादगार लम्हा पल हो रहा, जैसे ही बिहार विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी जी का काफिला यहाँ पहुँचा तो यहाँ तमाम लोगों ने बड़ी गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया, खैर मकदम किया, इस्तकबाल किया, वेलकम किया। और एक बहुत बड़ा संदेश गया है कि जिस प्रकार से बिहार विधानसभा अध्यक्ष, चूँकि सिवान सदर से विधायक भी हैं, और यहाँ ग्रामीण जनता ने उनका जो स्वागत किया, वो स्वागत देख करके यहाँ जितने भी लोग थे उन लोगों के आंखें नम हो गई और काफ़ी वो प्रफुल्लित हुए। चूँकि उस समय जो एक भजन बज रहा था, बिल्कुल भक्तमय माहौल बन गया था, और सभी लोग उस भजन को सुन करके भाव विभोर हो गए थे। और उसमें ये दर्शाया गया कि जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम सबरी के कुटिया में पहुँचते हैं और वहाँ जाने के बाद से जो दृश्य होता है, ठीक उसी तरह का नज़ारा, उसी तरह का मंजर आज सरावें पंचायत के पंचायत समिति सदस्य BDC पेशकार बैठा की जो धर्मपत्नी है उनके निवास स्थान पर देखा गया। तो इसके लिए मैं यहाँ के जनता को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, क्योंकि लोकतंत्र में जब जनप्रतिनिधियों का इतने बड़े पैमाने से हृदय से जब स्वागत होता है तो जनप्रतिनिधियों का हौसला भी सातवें आसमान पर जाता है, और काम करने में उनको एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, जो स्वागत हुआ है उस स्वागत। पेशकार बैठा जी के दरवाजे पर यहाँ सरावें ग्राम के सभी समाज के भाई लोग इकट्ठे थे, और सिंघई घाट छठ घाट का मैंने उद्घाटन करके इनके दरवाजे पर आए, और भारी संख्या में नर नारी, बुजुर्ग और नौजवान उपस्थित थे। सब लोगों ने मेरा स्वागत किया, आप पुष्प का वर्षा कर दिया। ये लोग तो भाव विहोर हो ही गए होंगे, मैं भी भीतर से इतना भावुक हो गया कि एक अनुसूचित जाति जनजाति के एक सीमा पर लड़ने वाले जवान जिसको गोली लग गई और वो आज घर पर हैं, उनकी पत्नी BDC में जीती हुई है, वो भी पूर्व मुखिया रहे हैं, भारी संख्या में अपने माता और बहनों को मैंने देखा यहाँ उपस्थित थी। इन लोगों ने मेरा जिस सोच और समझदारी और प्यार के साथ
मेरा स्वागत किया है। मैं भी आप मीडिया के भाई लोग हैं कहना चाहता हूं कि यह स्वागत और इन लोगों के उद्गार को मैं कभी भुला नहीं सकता। और बहुत सारे महिला जो बीडीसी हमारे सिवान सदर से जीती हुई हैं, उन तमाम लोग उपस्थिति उन लोगों की थी, पुरुष हो महिला हो, सामाजिक कार्यकर्ता लोग इस गांव के हो या इलाके से आए हो या संगठन के अध्यक्ष हो या जिला के उपाध्यक्ष हो, अन्य लोग हो या पूर्व प्रमुख हो या नगीना जी जो यहाँ के बड़े पुराने अच्छे करंदिकारी साथी हैं, चनर्मा जी हैं, सब लोग उपस्थित रहे। और मैंने इन लोगों को अपने जो भाव व्यक्त कर रहे थे उसमें मैंने कहा कि आदमी को कर्म करना चाहिए, इसलिए कि कर्म ही पूजा है। और मैंने कहा कि अच्छे कर्म अगर होंगे तो आपकी अच्छे फल की चिंता है, निश्चित अच्छा फल मिलेगा। इसलिए सब लोग मिलजुल करके सामाजिक समरसता, आपसी प्रेम व्यवहार और भाईचारा को बनाने का काम करेंगे। सभी जात जात में टुकड़े में न बंटिएगा, एक मजबूत जमात बनाने की ज़रूरत है, एक मजबूत समाज बनाने की ज़रूरत है। और मैंने कहा कि जहाँ शांति रहती है वहीं विकास भी होता है, अशांति से विकास न हो सकेगा। इसलिए हम आपके बीच हूँ, आप लोगों ने मुझे काम करने के लिए चुना है, जिताया है, तो अपने क्षेत्र को सजाने और संवारने के लिए हम काम कर रहे हैं। हम एक क्षण आपके नज़रों से अलग रहने वाले नहीं हैं, आपके दुख में या सुख में, शादी में, विवाह में मैं हमेशा हाजिर रहता हूँ। नहीं रहा तो ज़रूरत से ज़्यादा मेरा मतलब बिहार का राजधानी पटना है, लेकिन औध बिहारी चौधरी का राजधानी सिवान है। तो मैं अपना काम कर रहा हूँ। और मैंने कहा कि विकास के लिए मैं रात दिन मेहनत कर रहा हूँ और समाज को जोड़ने के लिए भी मैं अपने भावना को हमेशा व्यक्त करता हूँ। और मैं जिस हिसाब से प्रयास कर रहा हूँ, हालांकि 15 वर्षों तक मेरे नहीं रहने से इलाके में बड़ा पिछड़ापन है हर क्षेत्रों में, तो मैंने कहा कि अभी तक 27-28 सड़कों का मैंने स्वीकृति ले लिया है। शहर में भी बहुत सारे नाले और गंदे पानी निकासी के लिए योजना करीब 51-52 करोड़ का स्वीकृत कर दिया है। सौदाह गृह भी टाउन में बन रहे हैं और भी बनेंगे। और दाहा नदी गंदी है, उसकी सफाई हो, उस पर भी भिड़े हुए हैं। उसी तरह से देहात में भी जहाँ जहाँ ज़रूरत है कि भाई यहाँ रोड टूट गया है, यहाँ छोटा पुलिया नहीं है, यहाँ बड़ा पुलिया की ज़रूरत है, तो उस काम को मैं कर रहा हूँ। और मैंने कहा कि MLA IMP ही बड़ा नहीं होता है, ये हमारे ग्रास रूट के जो जनप्रतिनिधि हैं, मुखिया है, सरपंच है, उप मुखिया है, उप सरपंच है, प्रमुख है, उप प्रमुख है, BDC है, फिर आपका जो है जिला परिषद है, उसके पार्षद है, नगर परिषद के सभी सदस्य पार्षद लोग हैं, तो इन लोगों का सबका मान बराबर है। तो सब लोग ईमानदारी के साथ संयुक्त रूप से सिवान को विकास के मामले में अव्वल बनाने के लिए अपने अपने जिम्मेवारियों को आए, अपने अपने पास जो
मतलब जो रिकमेंड करने की क्षमता है विकास के लिए, आप आइए मिलजुल करके काम कीजिए, ताकि हम लोग मौलाना मजहरुल हक जो शांति और एकता के प्रतीक नेता रहे हैं, कौमी एकता के प्रतीक, उनकी धरती, उनके सोच के मुताबिक माहौल यहाँ हमेशा शांति का माहौल हम लोग बनावें। और राजेंद्र बाबू के यह धरती रही है, उनके मतलब जो रास्ते सादगी के रहे हैं उसको हम लोग अपनाएं जीवन में, और ब्रजकिशोर बाबू को हम लोग देखें, उनके भी रास्ते से हम लोग स्वतंत्र लोगों को रखें और काम करें। और खुदा बख्श साहब उखई के थे तो उन्होंने इतना बड़ा कीर्ति जाकर पटना में किया, लाइब्रेरी बनाया। तो हम तमाम जनप्रतिनिधियों से निवेदन करेंगे कि आपस के द्वेष को बंधु त्याग दो भाई, आयाओ हम लोग मिलजुल करके इस सिवान को आगे बढ़ाने का काम करें। और कहीं भी आपस में अगर कोई मनमुटाव हो, त्रुटि हो, कमी हो, तो उसको बैठ करके आप बात को बतला देना चाहिए, इसलिए कि संवाद से समस्या का निदान निकलता है। इसलिए संवाद कीजिए, संवाद होना चाहिए, अच्छे अच्छे सेमिनार होना चाहिए, अच्छे अच्छे विद्वानों को बुलाना चाहिए, अच्छे अच्छे कवि शायरों को बुलाना चाहिए। जैसे हम 23 दिसंबर को बड़े विद्वान को बुलवा रहे हैं यहाँ पर, आप लोग कल गए किए थे, तो क्यों बुलवा रहे हैं? बुलवा रहे हैं एक शांतिपूर्ण माहौल बने, एक समता मूलक समाज मजबूत हो, सभी वर्ग के भाई हम लोग मिलजुल करके रहे, सद्भावना कायम हो और कम्युनल हारमोनी कायम हो, और जो सांप्रदायिक जो विचारधारा है उसको अच्छे विचारों से काटने का काम कर दिया जाए। बिहार विधानसभा अध्यक्ष भी काफ़ी भावुक हो गए, उनकी आंखें नम हो गई। सबसे पहले तो मैं बिहार विधानसभा अध्यक्ष माननीय अवध बिहारी चौधरी जी का मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमारे दरवाजे पर आ करके और इतना समय बिताए, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। पूरे सरावे पंचायत की जनता और जितने भी जनप्रतिनिधि है, माताएं बहनें सभी आई थी, सभी खुश होकर के गई है कि आज हमारे बिहार विधानसभा के अध्यक्ष जो बिहार चलाते हैं, आज बिहार चलाने वाले आज एक गरीब के घर में आ करके और कम से कम 3 घंटा बिताए, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। तो आप देख सकते हैं बिहार विधानसभा के अध्यक्ष जी के आगमन को लेकर के इन्होंने काफ़ी प्रसन्नता जाहिर की है और इन्होंने दिल से धन्यवाद दिया है। छठ घाट का भी उद्घाटन हुआ, पहला कार्यक्रम वहीं था और उसके बाद आपके निवास स्थान पर उनका आगमन हुआ। जी, वहाँ छठ घाट नहीं था, हम ही जाकर उनसे विनती किया कि एक छठ घाट दे दीजिए, औरतों को काफ़ी दिक्कत होता है अर्घ देने के लिए। उन्होंने तुरंत हमारे बातों को संज्ञान में लेते हुए और 4-5 दिन के अंदर छठ से पहले घाट बन करके तैयार हो गया। आज मंत्री जी जाकर वहाँ उद्घाटन कर दिए, बिल्कुल घाट बन करके तैयार हो गया, उद्घाटन कर दिए। उसके बाद हमारे दरवाजे पर आए, हमने उनका स्वागत किया, उन्होंने भी सभी आदमियों का स्वागत किया और खुशी खुशी हमारे गाँव से चले गए अपने नेवता करने के लिए। चलिए, हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के सिवान प्रखंड के अध्यक्ष हैं, उनसे बात करेंगे। जी, क्या कहेंगे, चूंकि जो दृश्य था देखने के बाद काफ़ी लोग भाव विभोर हो गए और मीडिया कर्मियों के सवाल पर खुद विधानसभा अध्यक्ष ने भी कहा कि मैं काफ़ी आनंदित महसूस कर रहा हूं कि मैं अपने जनता जनार्दन के दरबार में आया हूं। तो काफ़ी अप्रत्याशित था, प्रशंसनीय भी था, और यह नज़ारा तो कभी कभी देखने को मिलता है, तो इसलिए आज जो हुआ एकदम अविचलित था। तो यह जो नज़ारा था, हम लोग भी देख के, सभी लोग वही नहीं, सभी लोग मतलब भाव विभोर हो गए, और ऐसी इस तरह की इज्जत, मान सम्मान, प्रतिष्ठा बिरले कहीं मिलती है, जो पेशकार बैठा जी ने हम सबों को दिया है, हमारे टीम को दिया है। चलिए, इंजीनियर शोएब आलम जी हैं जो कि इस कार्यक्रम में मौजूद रहे बिहार विधानसभा अध्यक्ष जी के साथ, इनसे भी हम बात करेंगे, क्या कुछ कह रहे हैं। युवा के काफ़ी युवा हैं और इंजीनियर भी हैं। आज हम लोग सराय पंचायत के सराय गांव में पेशकार बैठा जी के यहाँ पहुँचे थे। यहाँ मुझे बहुत खुशी की बात है कि मेरे पूरा सराय पंचायत के लोग
जितने लोग महिला लोग जवान बूढ़े जितने मेरे चाचा बहन मेरे चाची लोग यहाँ उपस्थित थी, मेरी यही खुशी है कि पेशकार बैठक की ये नेतृत्व में ये बैठक की गई थी। यहाँ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान जनक के आज पुण्यतिथि मनाई गई, उसके देख रेख में यहाँ हम लोग एक प्रोग्राम रखा गया था। इसी प्रोग्राम में मैं सराय गांव में पहुँचा हूँ। मेरा पूरा 19 प्रखंड में मुझे भ्रमण करना है। मैं एक जिला उपाध्यक्ष के नाते मैं सराय पंचायत सराय गांव में पहुँचा हूँ। तो चलिए एक सवाल आपसे चलते चलते हम लोग पूछेंगे कि स्वागत तो हर जगह हो रहा है, लेकिन यहाँ का स्वागत देखने के बाद से कहीं ना कहीं जो है सभी लोग थे वो उनके आँखों में आंसू आ गए थे और फूलों की बारिश हो रही थी। क्या कहेंगे, चूँकि आने वाला जो समय है या जो नई नस्ल है पीढ़ी है वो भी जो है वरिष्ठ लोगों का सम्मान करे ऐसा। मुझे यही खुशी जाहिर हो रही है कि राष्ट्रीय जनता दल या इंडिया महागठबंधन ये जो सरकार बनी है अभी काम हो रही है इस पर, जो 24 आने वाली आगामी चुनाव 24 और 25 को देखते हुए और बिहार के मेरे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद जी को हाथ मजबूत करना है और मुझे आगामी चुनाव 24 को तैयारी करना है, 25 को तैयारी में जो भी आए राष्ट्रीय जनता दल को उनको हम लोग स्वागत है, स्वागत के साथ साथ अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए मैं बताना चाहूँगा कि बरसात के मौसम में आसमान से बारिश होती है, लेकिन आज नज़ारा रहा बिल्कुल देखने को ऐसा मिला कि प्रकृति के तरफ से जो फूलों की बारिश हो रही थी जनता के द्वारा, और बिहारी चौधरी बिहार विधानसभा अध्यक्ष को फूल के मालाओं से और लगातार पुष्प की यानी फूलों की बारिश करके इन्हें बिल्कुल जो है सराबोर कर दिया गया था और आकाश से जो है फूल बरस रहे थे। तो कहीं ना कहीं इन्होंने भी स्वीकार किया कि जो दृश्य था उसको देख करके हम काफ़ी आनंदित हुए और अपने जनता को हृदय से मैं धन्यवाद देता हूँ कि जनता हर समाज जमात की हमारे साथ है और हमें वो चाहती है, हम उन्हें चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत आप